भारत के 15 करोड़ सीनियर सिटीजन्स का इस द सीनियर इंडियंस के नए एपिसोड में खूब खूब स्वागत है। बहुत सी जगह देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक ही शौक रखते हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से अपने टाइम पास करते हैं। ये जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कितना अच्छा गाते हैं एंड हाउ दे यूज़ देयर टाइम इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव मैनर। तो चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा वीडियो लंबा है, हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको, कितने बढ़िया गाने वो गा रहे हैं।
1943 में एक मूवी आई थी किस्मत। ये इंडिया की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी थी। काफ़ी सालों तक अलग अलग थिएटर में चलती रही थी। अशोक कुमार इसके हीरो थे। इट वॉज़ अ वंडरफुल मूवी और सबने इसको लाइक किया। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने जय भाई ठाकर। जय भाई ठाकर, किस्मत, 1943। नमस्ते मित्रों, आज मैं कुछ गाने सुन रहा था तो एक गाना आया, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर गुल न मचा। तो मुझे याद आया कि फिल्म किस्मत 1943 की क्या फिल्म थी। तो मैंने सोचा चलो उसके बारे में कहते हैं। वैसे तो हमने शुरू किया था ये अपना सफ़र जो है फिल्मों का 1947 से, 1947, हम कुछ 3-4 साल आगे चले जाते हैं या पीछे जो कहिए। किस्मत ज्ञान मुखर्जी ने बनाई थी। ज्ञान मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज के लिए काम करते थे और बॉम्बे टॉकीज जो थी वो बम्बई का जवाब था न्यू थिएटर्स कलकत्ता को, कि भाई हम भी कुछ फिल्में बनाते हैं। कलकत्ता वाली जो फिल्में थी वो कुछ ज़्यादा कैसे कहते हैं साहित्यिक हुआ करती थी, कुछ अपर क्रस्ट के लोगों के लिए थी शायद। और बॉम्बे टॉकीज की जो फिल्में थी वो एकदम लोकप्रिय, लोगों को पसंद आने वाली फिल्में थी। इसमें किस्मत अद्भुत कितने साल तक चली थी, कलकत्ते में, बम्बई में, दिल्ली में, चलती रही चलती रही चलती रही। लोग हर रोज़ देखने जाते थे। मेरी माँ कहती थी कि वो थिएटर उनके घर के पास था तो वो गाने बजते हैं ना तो वो थिएटर वाले पहचानते थे उनको, तो वो आखिरी 2-3 गीत के लिए वो चले जाते थे और थिएटर में बैठ के फिल्म देखते थे, आखिरी आखिरी जो सीन था वो। तो ये उस फिल्म का जादू था। इस फिल्म के बारे में मैं क्या बताऊँ, गाने तो सुपरहिट थे ही, मेरा बुलबुल सो रहा है, फिर दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, क्या गाना था, और पीयू पीयू बोल प्राण पपी है, पीयू पीयू बोल कि पपिहारे मेरे पिया से कहियो जा, ये गाना, वो अगले वाला जुथी का रे का था, सॉरी। और यू नो, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भजन बहुत सुंदर था। अनिल विश्वास के संगीत में कवि प्रदीप जी ने ये गाने लिखे थे, कुछ अशोक कुमार ने गाए थे, कुछ अरुण कुमार उनके कजिन ने गाए थे। कहानी में लॉस्ट एंड फाउंड की फॉर्मूला पहली बार शायद हिंदी फिल्मों में यूज़ की गई। बेटा बचपन से गुम हो जाता है और फिर क्या होता है उसके साथ। और अशोक कुमार द फर्स्ट सुपरस्टार, राजेश खन्ना तो काफ़ी बाद में आए, हम सहगल को कह सकते हैं सुपरस्टार फर्स्ट क्योंकि वो अच्छा गाते थे, मगर एक्टिंग में अशोक कुमार टॉप्स। और अशोक कुमार ने इसमें एंटी हीरो का काम किया है, वो चोर है, उचक्के हैं और बहुत कुछ करते हैं जो उस ज़माने में हीरो नहीं करते थे। इसलिए बाबूराव करके जो एक फिल्म क्रिटिक थे उन्होंने तो बहुत किया था, ये क्या हो रहा है, ये हमारे जवानों पर क्या क्या असर पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो अशोक कुमार है, मुमताज शांति है, बड़ी सुंदर थी, उसके लिए अमीर बाई कर्नाटकी ने गीत गाए थे। और 2-3 लोग थे जो इतने अभी फेमस नहीं हैं, आपको शायद उनका नाम तक याद ना हो, मगर अशोक कुमार और मुमताज शांति, गाने, कहानी, एक्टिंग, सुपर, किस्मत।